दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हमें 2024 के अंदर आईफोन 14 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड ये जो मेरे पास आप देख रहे हैं ये आईफोन 14 256 GB वाला वेरिएंट। एंड फ्रेंड्स आज अभी प्रेजेंट में अगर इसकी कीमत की बात करूँ तो ये लगभग ऑफ़र वगैरह आप लगाते हैं तो ये लगभग 65,000 का देखने को मिल जाता है। वैसे पहले स्टार्टिंग में इस फ़ोन की कीमत लगभग 85,000 रुपये थी। तो क्या 2024 के अंदर हमको आईफोन 14 लेना चाहिए या नहीं, चलिए बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए इसे यूज़ करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है एंड काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। एंड ये जो फ़ोन है मेरी सिस्टर का फ़ोन है, अभी तक तो बहुत सेफ्टी से चला रही है, 1 साल से ऊपर इसे हो चुका है। एंड इसमें आपको 6.1 इंचेस का सुपर रेटना XDR डिस्प्ले देखने को मिलता है एंड डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, आपको दिखता होगा। एंड फ्रेंड्स अगर प्रोसेसर की बात करें तो A15 बायोनिक चिप इस फ़ोन में आती है, मतलब काफ़ी अच्छा प्रोसेसर भी, आप BGMI कोई गेम वगैरह खेलते बहुत अच्छे से चलता भी है। और फ्रेंड्स अगर बैटरी की बात करें तो लगभग 3300 mAh 3269 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और इसमें जो चार्जिंग सपोर्ट करता है फ़ोन वो लगभग 20W की चार्जिंग सपोर्ट करता है, 15W की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। उसके साथ में बैक में इसमें 12+12 MP के कैमरे हैं, फ्रंट में आप देखेंगे तो 12 MP का कैमरा है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, मतलब ऊपर वाला और नीचे जो स्पीकर है सब बजते हैं, मतलब बहुत अच्छी सी आवाज़ आने वाली है। उसके साथ में ये फ़ोन 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकता है और फ़ोन में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, iOS 16 सपोर्ट मिलता है। उसके साथ ही आप इसे 15 मीटर डेप्थ में, मतलब पानी के अंदर 15 मीटर तक डुबो सकते हो, IP68 रेटिंग के साथ में ये ख़राब नहीं होता है। एंड फ्रेंड्स फ़ोन का एक्सपीरियंस अब तक का बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे से चला है। एंड अब क्या हमें 2024 के अंदर ये फ़ोन बाय करना चाहिए, तो मेरा सिंपल सा एक उत्तर है नहीं। क्योंकि दोस्तों मेरे ना करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, आईफोन 14 पुराना हो चुका है, लगभग 2 सीरीज़ पीछे है, क्योंकि आईफोन 16 भी बहुत जल्दी आने वाला है, सितंबर महीने में आईफोन 16 लॉन्च हो जाएगा और मेरे इसी चैनल पे आईफोन 16 की डिटेल्ड वीडियो आने वाली है कि आईफोन 16 में क्या क्या चीज़ें होंगी क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि आईफोन 16 में क्या होने वाला है। एंड फ्रेंड्स आईफोन 15 सीरीज चल रही है, 1 साल लगभग उसे भी होने वाला है और 16 लॉन्च हो जाएगी, तो आपका जो 14 वाला मॉडल है आईफोन 14 वो लगभग 2 सीरीज पीछे हो जाएगा। देखिए 15 सीरीज तो पीछे है ही, उसके साथ ही 16 सीरीज आ जाएगी, तो 1 साल और पीछे, मतलब 2 साल पुराना मॉडल ही हो जाएगा। तो देखिए 2024 के अंदर हमें ये फ़ोन बाय नहीं करना है, इसके प्राइस रेट पे हमें थोड़े बहुत पैसे डाल के 2-4 हज़ार डाल के आईफोन 15 मिल जाएगा। उसमें हमको यहाँ पर देखिए डायनमिक आइलैंड का सपोर्ट मिल जाएगा, बैटरी अच्छी मिलेगी, डिस्प्ले अच्छी मिलेगी, फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है कहीं ना कहीं, उसके साथ ही फीचर्स कहीं ना कहीं अपडेटेड मिलते हैं। तो फ्रेंड्स एक सीरीज आपको अप लेना है, देखिए 2024 के अंदर इसे तो बाय करना मत आईफोन 14 को, देखिए आपके मन के ऊपर है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन में कोई भी कमी खराबी मैं नहीं बता रहा हूँ। देखिए बस बात ये है कि आप अगर ले रहे हैं तो मेरा काम है आपको अपडेटेड रखना, और आईफोन 14 को मना करने का बस यही रीज़न है कि मतलब सीरीज पीछे हो जाएंगे तो आप थोड़े से मॉडल में पीछे हो जाएंगे। अगर देखिए आईफोन आपको पसंद भी है, बहुत सारे लोग आईफोन 12 भी खरीदते हैं, 11 भी खरीदते हैं, अब उनसे क्या कहो कि मॉडल कितना पुराना है, लोगों को पसंद आता है, सस्ता देखते हैं, बस आईफोन चाहिए आईफोन चाहिए आईफोन चाहिए, वो लोग ले लेते हैं, लेकिन वो सारे फीचर्स नहीं मिल पाते हैं जो एक अपडेटेड फ़ोन में रहते हैं। अब देखिए आईफोन 15 आप लेंगे तो उसमें बहुत सारे अपडेटेड चीज़ें रहती हैं, आईफोन 14 से थोड़ा सा अपडेट तो कहीं ना कहीं होगा ही, क्योंकि एक सीरीज़ अप है आईफोन 14 से। अब फ्रेंड्स उसमें जो चीज़ें अप होंगी अपडेटेड होंगी वो सारी चीज़ें आपको आईफोन 15 में मिलेंगी, 16 में मिलेंगी, आईफोन 14 में नहीं मिलेंगी। तो इसी वजह से आपको आईफोन 15 लेना है, आईफोन 16 लेना है, आईफोन 14 को इग्नोर कर दीजिए, देखिए सस्ते के चक्कर मत रहिए, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लॉस होने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि 2024 के अंदर हमको कौन सा वेरिएंट खरीदना है। फ्रेंड्स आई होप आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।